पिछले 2-3 दिनों से मूसलाधार बारिश से जगह जगह नदी नहर तालाबों में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के बड़े नदी महानदी में लगातार जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है और महानदी अपने उफान पर है। कई जगहों में आवागमन बाधित हुई है तो कई जगहों में किसानों के खेतों में लगे धान की फसलें डूब चुकी है, जिससे किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। पिछले महीने इसी तरह से महानदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। किसान जिससे काफी निराश हो गए थे। वहीं एक बार फिर से महानदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे नदी किनारे बसे गांव के आसपास लबालब पानी भरी हुई है। नदी किनारे बसे आसपास के गांव वाले लोगों को नदी किनारे आने जाने से मना कर रहे हैं। वहीं मछुआरों को भी नदी किनारे मछली पकड़ने से मना किया गया है। फिलहाल अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे खेतों में पानी पूरी तरह से भर चुकी है, जिस कारण से खेत की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे जल स्तर बढ़ता है या कम होता है। क्या नाम है आपके? लक्ष्मण चंद्रा। अच्छा, अभी महानदी में बाढ़ की स्थिति कैसे हवाएं क्या होती है? अभी तक तो बढ़तीज में है, तो ये बाढ़ जो बढ़े है तो ऊपर से कैसे फसल उसल नुकसान हुए कि का ही कैसे? हाँ, ये सामने में थे तो खेत मन बुड़ बुड़ गए, धान लगे है ते मन, और सबके मोटर वोटर पाइप साइप सब मन डूबे छे। अभी बढ़ा थे कि कैसे है? अभी बढ़तीज में है। तो कब से बाढ़ है, बाढ़ा थे है कि? यह परसों चालू हो गए हैं। तो देखे मिला थे मोटर है पूरा बह गए है, तो आप मन कैसे कर रहे होगा? अब बोला अब काय करबो, अब अंटाही तो सब अपन अपन ने वाला निकालबो पाइप साइप मन ला, टूटे फूटे रहते मन के। ये जो रास्ता है आ जाए के वो कैसे? रास्ता तो पूरा बंद हो गए है। अभी इस वक्त हम महानदी के किनारे पर खड़े हैं और महानदी का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हुए मूसलाधार बारिश के कारण महानदी का जल स्तर बढ़ रहा है। और वही बात करें लोगों की आने जाने की रास्ता की, तो पूरी तरह से रास्ता बाधित है और आसपास में बसे जो लोग हैं वह बाढ़ की स्थिति को देख कर कहीं ना कहीं भयभीत नज़र आ रहे हैं। और बात करें गाँव में मुनादी की, तो कोटवार के द्वारा गाँव में मुनादी कर दी गई है कि महानदी के किनारे या आसपास जाने के लिए मना किया गया है और वहीं मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए भी मना कर दी गई है। तो आइए इस संबंध में हम बाढ़ की स्थिति क्या है, पासित से हम यहाँ पे खड़े हैं, तो वहाँ कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। आइए। हाँ, क्या नाम है आपके? मो नाम बबलू शुक्ला। अच्छा, अभी नदिया के जो स्थिति है बाढ़ के का है? और अभी सुबह से मैंने बढ़ते थे, कल से बढ़ा थे पानी है ना, कल से बढ़ा थे, अभी बढ़ते थे। तो एक संबंध में गांव में कैसे कुछ मुनादी हुए कि? मुनियादी करी से कोटवार हर कि मछुआरा मन ला मना करी से नदिया बढ़ा थे, मछुआरे मत मारे जहाँ लोग ले गला देखिया पानी की तीर ला बचाव कर रखिया करके बोल के गई से। तो वो अभी बाढ़ बढ़ते थे? बाढ़ बढ़ते थे कहीं से, ऊपर से माने बांध खुले है कहीं डैम। अच्छा, रात तक पानी बढ़ रात तक पानी आ सकते है कहीं से। और हवा हमारे साथ में एक दादाजी है, उनसे बात करते हैं कि अभी क्या स्थिति है और क्या है बाढ़। कहा नाम है बाबा? महितर। महितर महितर। अच्छा, अभी जो नदियाँ बाढ़े है तो कैसे है स्थिति, कब तक बाढ़े? बहुत बाढ़े है अभी तो, बाढ़ ही कहा थे। अच्छा, कैसे का बाढ़ का आए है तो कैसे होते तुम आ जाए? बहुत दुख मिलते ना, बहुत दुख मिलते, उतनी जा नहीं सकन ना, उतनी जा सकन। अच्छा, तो आप मछली उछली पकड़ता? पकड़ता था, अभी कहाँ जा सकबो। कैसे मना कर रहे कि? कहे मछली मत मारे जहाँ ऐसे करके। अच्छा, हाँ ठीक। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में यहाँ पासित के ग्रामीण थे, मछुआरे थे, उनका कहना है कि बाढ़ की स्थिति लगातार बढ़ रही है, जिससे हम लोग को काफी परेशानी हो रही है। कोसीर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट, SEN 24।